तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन। बेहतर कर दिया माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में जो उनके मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया है, सबसे पहले तो मुझे उचित लगा कि माननीय सदस्य ने जिस तरह से हमारे शिक्षा मित्र जो कि पठन पाठन का कार्य कराते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा मित्रों की तुलना एक पशु के साथ में, विशेष तौर से माननीय सदस्य उत्तर सुन लें। माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें। मैं उत्तर ही दे रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से मैं ये सदन में जिस तरह से उन्होंने पशु और कुत्ते के साथ में शिक्षा मित्र की तुलना की, इसको हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। जहां तक पैसे बढ़ाने के लिए भी आप सब लोगों ने शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो आपकी सरकार में 3500 रुपए था, और उसके बाद आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3500 रुपए से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है, और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संप्रति विचाराधीन नहीं है, आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर लंबे समय तक 3500 रुपए ही चलता रहा, लेकिन सरकार जो अभी करंट में चल रही उन्होंने 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया था। समय समय पर कई जगहों पर संविदा कर्मी शिक्षा मित्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता रहता है, वहीं पर आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा विभाग के मंत्री ने सदन में अवगत कराया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर क्या प्रक्रिया थी, क्या किया गया और भविष्य में क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस चीज़ को भी लेकर अपना रवैया साफ कर दिया है। फिर भी कई जगहों पर शिक्षा मित्रों के द्वारा समय समय पर धरना प्रदर्शन किया जाता रहता है, चाहे वो मानदेय को लेकर हो, चाहे वो सुख सुविधा या भत्ते को लेकर हो। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपको पता है, विभिन्न संविदा कर्मियों की भर्ती की गई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं अपने चैनल पर आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएँ सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएँ।